हैंडशेक के बारे में हम लोग ने सीखा राइट। ओके मैं चाहूंगा कि तुम लोग यहाँ आ जाए और हैंडशेक के बारे में सीखा। सरांनी अतिशय सुंदर प्रकारे एक इव्हेंट शिकवलाय, तर हँडशेक कशी करायची। आता सर्वप्रथम मित्रांनो, हात आपण ज्या प्रकारे हँडशेक करायला जातो, तर आपले जे बोट आहे एकदम स्ट्रेट मध्ये असे ठेवायचे अंगठा सरळ बरोबर। त्यानंतर आपण जे हँडशेक करायला जातो तर समोरचा हात डायरेक्ट असंही पकडायचं, समोरचा भी स्टेप पाहिजे, एकदा पकडला फक्त एकदा बस, असं हलत नाही बसायचं, फक्त एकदा असं करायचं। त्याच्यानंतर आणि मधला डिस्टन्स असं नाही करायचं, एकदम स्मूथली फक्त असं एकदा बस झालं। थँक्यू, थँक्यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पे जो बाकी रह गया, मैं चाहूंगा गर्ल से दो जन आए और बताएं। वेरी गुड, तालिया। ये चार बोट ही ना ती सरळ ठेवायची, अंगठा असं वरती ठेवायचा, इथला स्पेस हा एकदम स्ट्रेट आला पाहिजे, आणि इथं हा स्पेस आहे ना तो हा इथं जॉईन झाला पाहिजे, नंतर हा इथं ठेवायचा, नंतर रह गया है वो मैं बताता हूँ। आप देखिए, एक तो ब्रेक हो गया, ये हो गया, हैंडशेक करना चाहिए। देखो आप हैंडशेक कैसे करते हो उसके आपसे जिंदगी बनता है, इसको नजरअंदाज मत करो। क्या हाथ मिलाने से क्या होता है, हाथ मिलाने से बहुत कुछ होता है राइट, दैट इज वन। सेकेंड, आपको एक स्माइल करना चाहिए हमेशा, हैंडशेक करने ना कुछ होगा उसे नहीं होगा, क्या करना चाहिए, स्माइल करना चाहिए। और स्माइल करने के टाइम डिस्टेंस भी बराबर मेंटेन करना चाहिए कि उतना इतना डिस्टेंस हो, ओके इतना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए राइट। कोई कोई ऐसा देखे नजीक चले जाता है और कैसा है। और मुझे एक फ्रेंड है वो हमेशा टुंटू में रहता है, वो कभी भी हैंडशेक कैसे करते मालूम है, ठीक है ना, बराबर नजीक मत आना बॉस आएगा ऐसा। और भाई लोग वगैरह हैंडशेक कैसे करते, अरे कैसा बहुत दिन हो गया मिले नहीं भाई कैसा। और जो भी जिसको रेस्पेक्ट करते ना बोलेंगे सर कैसे है सर, बहुत दिन हुआ मिला नहीं, यस सर। लेकिन ये भी गलत है, ये भी गलत है, सही क्या है, स्ट्रेट कर। और सेकेंड कोई कोई हैंडशेक कैसे देता है, वो बहुत कैसे चुना लगाना, ये हो गया। लेकिन इसमें दो कंडीशन है, आप जिनको बहुत रेस्पेक्ट करते हो तो आप दो हाथ से पकड़ते हो राइट, उनको बहुत बड़े मानते हो दो, बहुत फ्रेंड है करीबी दोस्त है बहुत साल के बाद मिलते हो ये चलेगा। लेकिन कभी भी फ्रेंड्स पहली बार मिलता है दोनों हाथ से हैंडशेक नहीं करना चाहिए, तो समझ लो दाल में कुछ काला है। मेरे साथ ऐसा हैंडशेक हुआ है और टोपी पहना के गया है, मैंने बोला जावदार सावधान रहो, उसके बावजूद भी हुआ है, लेकिन ऐसा होता है राइट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी चीज है, ये होगा फिर ऐसा पकड़ते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए ओके। बड़े लोग छोटे से कर सकते हैं लेकिन इक्वल लोग नहीं करना चाहिए राइट, ये चीज हैंडशेक में। थैंक यू।